फर्स्ट डे ऑफ एग्जाम रिया का गोल्डन सुपर कार में, और देखो गाइस लिटरली इतने सारे बच्चे हैं, सब लोग पागल है रिया को देख के। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग गोल्डन आईलैंड में बहुत ही खतरनाक रिएक्शन लेने वाले थे, जिसका आपका इंतजार था। आज रिया का बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है, तो रिया कैसे एग्जाम देगी वो तो पता नहीं है, लेकिन हम रिएक्शन खतरनाक लेने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको पता ही है इतने लोग आते हैं और पूरी भीड़ रहती है। तो आज BMW में जाने वाले हैं रिया के सेंटर, क्योंकि वो है मेन रोड पे ही, तो बहुत बच्चे वहाँ पे देखेंगे। देखते हैं रिया को, सब लोग लगता है पेपर फ्री में दे देंगे गाड़ी देख के, कि मेरे को लोकेश गेमर से मिला दो। है रिया, रिया को आता ही नहीं है कुछ पढ़ना है, रिया आता है मजाक कर रहा हूँ। देखते हैं रिया कितने मार्क्स लाएगी, मेरा 7 पॉइंट है, मेरे से ज़्यादा रिया लाएगी। तो चलो अभी हम लोग जाने वाले हैं रिया के सेंटर BMW i8 से, एंड लिटरली वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, सबका रिएक्शन में देखता हूँ कैसे। सुबह के 8 और हम निकल चुके हैं रिया के पहला एग्जाम। आज कौन सा रिया एग्जाम है तेरा? हिंदी एग्जाम है। और तूने हिंदी में कितना पढ़ा है रिया? पूरा। रिया लगता है गाइस हिंदी में टॉप करेगी। टॉप करके आएगी रिया? टॉप से ज्यादा रिया को इंतजार है कि लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा जब लोग मुझे सुपर कार में देखेंगे। है रिया, मेरा नहीं तेरा है ये। तो तू ही निकल रही है ना सुपर कार से? हैं, मैं 10th में गया तब मेरे पास सुपर कार नहीं थी, नहीं तो मैं एग्जाम देने सुपर कार से जाता था। हैं, बढ़िया बढ़िया, पर हमारे पास तो है। हाँ तेरे पास है ना, देखा तेरा फायदा, छोटा होने का फायदा। हाँ जो मेरा है वो तेरा है। तो जल्दी से जल्दी गाइस हम लोग पहुंचेंगे आधे घंटे में। और जो एरिया है जहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, वो ऐसा एरिया है कि वहाँ पे सुपर कार्स तो दिखते ही नहीं है, बता दिया हूँ। तो भाई वहाँ पे और रिएक्शन आता है, और लोग तो भर भर के होंगे, क्योंकि जब मैंने एग्जाम देने गया था तो लिटरली जहाँ पे सेंटर था वहाँ पे इतने लोग, इतने बच्चे, सबके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, और सबके पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं कब एग्ज़ाम शुरू होगा और कब वो लोग जाएंगे। तो अभी रिया के लिए मैं भी उधर रुकूंगा, सुपर कार में रिया बैठी रहेगी, बाहर मत निकलना रिया, लेकिन बच्चे आ जाएंगे फोटो सेल्फी बोल के। हैं, नहीं। ऑलमोस्ट देर हम लोग पहुँचने वाले हैं रिया के सेंटर, जहाँ पे रिया का 10th का एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम। सो रिया, हाउ आर यू एक्साइटेड? रिया, रिया नर्वस है, सब लोग नर्वस होते हैं रिया। तो रिया फेल होता है एग्जाम में, लोग किसी ने सोची नहीं होगी कि रिया फेल हो सकती है। नहीं, नहीं, क्यों? पढ़ा है इतना। टॉपर है क्या रिया तू स्कूल की? टॉपर है क्या रिया तू स्कूल की? हाँ सही है, सही है गाइस, रिया टॉपर है। अभी एक आंटी बीच में आ, मैं चला रहा था गाड़ी, वो इधर आंटी सामने देख के चल रहे, रोड पे से इधर से आ रहा हूँ गाइस, और वो सामने देख के रोड क्रॉस कर रहे। क्या भाई, क्या लोग होते, दिमाग नहीं होता, पीछे गाड़ी इधर से आ रहा है उधर देख के रोड क्रॉस कर रहे। चलो अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग रिया के जो स्कूल है उसके पास पहुँचने वाले हैं, और यहाँ का व्यू देखो बहुत ही प्यारा, ऐसा लग रहा है गाइस यहाँ पे 100 की 200 की 300 400 की स्पीड खींच दूँ मैं गाड़ी को, बट गाड़ी उतनी चलेगी नहीं, खींचने का तो मैं खींच दूँ। और बहुत ही प्यारा यहाँ से व्यू है। तो चलो अभी रिया के सेंटर पहुँचने वाले हैं। अच्छा हुआ रिया का सेंटर मैंने जहाँ सोचा था, मैंने भी सोचा था रिया शादान में गिरे, क्योंकि वो पास में ये रोड पे है, पता है मैं खुद सोच रहा था गाइस उसमें ही गिरे, और उसमें ही गिर गया रिया का कॉलेज, जहाँ पे मेरा गाड़ी जा सकता है। वाह रिया देखी किस्मत मेरी, मैंने जो सोचा वही हुआ, रिया परेशान है, उसमें स्ट्रिक है, ये ऐसा है, क्यों पड़ा मेरा सेंटर उधर रिया। चलो कोई ना, चलो अभी पहुंचने वाले हम लोग गाइस वहाँ पे। देखो रिया के सेंटर आ चुके हैं, एंड लिटरली देख सकते हो भीड़ आगे आगे आगे, कहाँ है रिया भीड़ कहाँ है, मेरे को तो दिख नहीं रहा कोई, आगे आगे भी भीड़ नहीं दिख रही है, और आगे है, कहाँ है आगे तेरा स्कूल, आगे और लिटरली गाइस मुझे ज़्यादा भीड़ तो नहीं दिख रही है, तभी भी देखते हैं कहाँ है, कहाँ है रिया का कॉलेज, और कहाँ आगे रिया आगे स्कूल होता है, आगे स्कूल होता है। क्वेश्चन कि मैं फ्री फायर में डायमंड्स कैसे ले सकता हूँ, तो इसके लिए एक ऐप यूज करता हूँ जिसका नाम विंजो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप लोग बहुत सारे डायमंड्स खेल के फ्री में ले सकते हो। कैसे? एक लास्ट में देखो यहाँ पे प्रमोशन का ऑप्शन है, जिसमें आप एक मेरा खुद का सेक्शन है लोकेश गेमर का, जिसके ऊपर आप क्लिक करके कुछ नहीं, यहाँ पे गाइस 3 स्टेप्स आपके दिए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी एक गेम प्ले करना है ये ऐप में, एंड हर दिन
टू 10 से 20 मेंबर्स को फ्री में 300 से 400 या 500 डायमंड मिलेंगे, जो भी बंदे मेरे लिंक से इंस्टॉल करके कोई भी एक गेम खेलेंगे हर दिन फ्री मिलने वाले। तो आपको विंजो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके इंस्टॉल करो, एक कोई भी गेम खेलो एंड हर दिन 20 मेंबर्स को फ्री डायमंड मिल रहे हैं, 500 600, क्या पता आपका भी लक आज नहीं तो कल आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टॉल। जाके हम लोग कॉलेज पहुंच चुके हैं, एरिया सेंटर पहुंच चुके हैं एंड इतनी भीड़ है क्या ही बताऊं क्या ही बताऊं। लोग बहुत सारे लोग हैं, इधर पीछे है लोग मेरे, ठीक है। तो अभी गाड़ी यहाँ पे रोक के रखा हूँ मैं आगे, क्योंकि अंदर जाने का जगह नहीं है। जो रिया का कॉलेज है ये रोड है ना, इसके थोड़ा अंदर है, ठीक है, पीछे मेरे पीछे, तो अंदर थोड़ा डाउन है, तो अंदर गाड़ी नहीं लेके जा रहा हूँ मैं, रोड पे ही रोक के हूँ, होल्ड करके हूँ कार को यहीं पर मेन रोड पे, तो थोड़ा सा पीछे लगा लेता हूँ। वहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है रिया के, एंड रिया का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, बंद कर दे रिया। चलो हम भी निकलते हैं, अजय भी चले गए। गाइस आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं, लिटरली हम लोगों ने अच्छा रिएक्शन लिया, बहुत लोग देख रहे थे। तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर पे, ठीक है, मम्मी पापा का भी कॉल आ रहा था, तो मम्मी का कॉल पिक करते हैं और निकलते हैं घर फटाफट, ठीक है। अभी रिया को हम लोग 12 बजे लेने आएंगे, 12 बजे लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ होता है क्योंकि जब सारे बच्चे छूटते हैं। तो चलो गाइस आपको मिलता हूँ मैं 12 बजे, एक और बहुत 12:45 हो रहे हैं। सो अभी रिया का एग्जाम खत्म हो चुका है एंड रिया का कैसा गया एग्जाम आज हिंदी का मालूम करने वाले हम लोग, कैसा रिया ने लिखा आज हिंदी का टेस्ट। एंड अभी रिया को पिक करने जा रहा हूँ क्योंकि अभी पूरे जितने भी वो है ना लोग, पूरे जितने भी बच्चे पूरे अभी बाहर निकलेंगे एंड लिटरली जो सेंटर है उसके बाहर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है ये टाइम पे। तो ये टाइम पे मैंने सोचा चलो पिक भी कर लेते हैं आज, एक दो दिन पिक भी कर लेते हैं, क्योंकि मेरा स्ट्रीम रोक के आया हूँ, मैं अभी स्ट्रीम कर रहा था और मैंने वो रोक दिया क्योंकि मेरे को पिक करने जाना ही है। तो आज मैंने स्ट्रीम रोक के पिक करने आया हूँ रिया को, और अभी लिटरली बहुत लोग बाहर आ रहे होंगे, तो अभी देखते हैं क्या रहता है रिएक्शन वहाँ पे। बहुत सारे बच्चे होंगे यार, लिटरली सुबह में भी बहुत सारे थे, आपने देखा होगा वीडियो में क्लिप में, सुबह में इतने बच्चे थे क्या बताऊँ, लेकिन पूरे अंदर थे। अभी पूरे बाहर जाते रहेंगे ना तो ज़्यादा रिएक्शन आएगा, और मैं एक साइड में लगा के वेट करूँगा। तो देखते हैं आज मज़ा आने वाला है रिएक्शन लेने, और रिया का टेस्ट कैसा गया वो भी पूछते हैं। दरवाज़ा लड़का दिख रहा लाल शर्ट पे, पलट के पूछ रहा तुम लोकेश गेमर की बहन हो? हाँ, फिर तूने क्या बोला? मैंने कहा हाँ, फिर कुछ देर में थोड़ा आंसर्स बताओ ना, आंसर्स बताओ ना, दिमाग खराब कर दिया था। फिर मैं उनसे मुँह से बोल रहा लिख के दो। फिर भाई दिमाग खराब हुआ। गाइस कितना भीड़ है वहाँ पे, बहुत रश है, बहुत ज्यादा, लिटरली गाइस इतना ज्यादा रश है यहाँ पे देख सकते हो, मेरे को निकलने की जगह नहीं है सच, ना पार्क करने की कोई जगह है। तो कैसा गया एग्जाम? वही तो पूछा, एग्जाम कैसा गया? कितना एकदम मस्त, पूरा इजी था, हार्ड था? इजी था। पक्का? हाँ अच्छा गया मेरा, पूरा अच्छा गया। हाँ भैया। अरे बढ़िया रिया, और बता कल का एग्जाम कौन सा तेरा? तेलुगु, उसकी टेंशन है रे। तेलुगु की? तेलुगु नहीं आता तेरे को भी? नहीं आता। अरे 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 गाइस लिटरली इतना ज्यादा रश है वहाँ पे लोगों का, क्या बताऊँ, कुछ बता ही नहीं सकता मैं आपको। आरिया लोग कौन कौन पहचाना तेरे को वहाँ पे? मेरे को मेरे स्कूल के दिखे थे एक लोग बहुत। हाँ। और जो पहले स्कूल में पढ़ते थे अब नहीं पढ़ते वो लोग भी दिखे। बढ़िया। लिटरली इतना ज्यादा रश है कि मैं पार्क तक नहीं कर पा रहा हूँ गाड़ी भर भर के। तो अजय भी यहीं पर है, अजय फोटो ले रहा था पीछे, तो अजय आ रहा है, तो अजय का वेट कर रहा हूँ, वीडियो तो बनाया होगा अजय ने। पूरा इतना रश है क्या बताऊँ, लोग ऐसे पलट पलट के देख रहे गाइस, क्या बताऊँ मैं आपको। आरिया पता है बहुत लोग देख रहे हैं। आ गए हम लोग घर पे रिया को लेके, गाड़ी में वो मेरा गंदा कर दिया है। और सबसे अच्छी बात मेरी गाड़ी का ये है गाइस कि अभी गाड़ी क्या हुआ, मेरा जो बैटरी है की का वो डिस्चार्ज हो गया था, तो गाड़ी यहाँ पे मैंने बंद किया एक सेकेंड और फिर ऑन करा, तो गाड़ी ऑन भी नहीं हो रहा था, फिर प्रॉब्लम होने लगा गाड़ी में, मेरे को लगा ये क्या हो गया, लेकिन क्या हुआ गाड़ी का जो की है इस गाड़ी का वो डिस्चार्ज हो गया था। और रास्ते में हम लोग रिया के लिए रुके थे, रिया ने जब उल्टी किया था, अच्छा हुआ मैंने गाड़ी बंद नहीं किया, तो नहीं तो रोड पे ही मेरी गाड़ी रुक जाती क्योंकि की में बैटरी नहीं, कैसे ख़त्म हो गया पता भी नहीं मेरे को। तो चलो ये वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म, टिल देन टेक केयर।